अब आप जितना चाहें अपने स्किन को गोरा कर सकते हैं, ये ड्रीम अपना पूरा कर सकते हैं। रेशम की तरह मुलायम स्किन हो सकती है, दाग धब्बे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगे, रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे, स्किन आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। डे बाई डे आप देखेंगे कि आप और ज़्यादा चाँद की तरह चमकते जा रहे हैं। जिनकी शादी करीब है उनके लिए तो ये ऑल इज़ गोल्ड वाली बात होगी कि आप फ़ौरन से 3 दिन के अंदर अपनी स्किन को इतने ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं। नेचुरली आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, चाहे लड़कियाँ हों या लड़के हों, दोनों के लिए ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बच्चे भी ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो रेमेडी को आपने पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी और वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। हे माई ब्यूटिफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूँगी रंग गोरा करने का एक ऐसा ज़बरदस्त फार्मूला जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं आपको तिब्बत क्रीम का इस्तेमाल का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो इस क्रीम का रिजल्ट और ज़्यादा बढ़ा देगा। आप तो इस क्रीम को सदियों से ही जानते आए हैं, नानियाँ दादियाँ हमारी यूज़ करती थी, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मगर आप इसके रिजल्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वो किस तरह आप कर सकते हैं कि 3 दिन के अंदर आपकी स्किन और ज़्यादा ब्राइट हो जाए, तो वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए रेमेडी की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ हम ले रहे हैं तिब्बत क्रीम, तो इसको हम यहाँ पे आपको मैं एक ऐसी टिप बताऊंगी तो बताऊंगी कि आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से किसी भी बर्तन में इसको पहले निकालें, फिर इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालें, फिर मिक्स करके फिर दोबारा से बोतल में आप इसको फिल करें, और इतना झंझट करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली इसी क्रीम के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे और सिंपली हम इसको यूज़ करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ मैं ले रही हूँ स्किन वाइटनिंग के कैप्सूल, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड करूँगी 3 स्किन वाइटनिंग के कैप्सूल, कट करके हमने इसमें ऐड कर लिए। देन हम इसमें ऐड करेंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स, इसको भी हमने ऐड कर लिया 1 by 1। देन हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्योर ग्रेसलीन 2 tablespoons, जो हमारी स्किन को नरम और मुलायम रेशम की तरह करेगी। तो 2 tablespoons हमने इसमें ऐड कर लिया। अब हम इसको स्टिक की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें ये कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी कि हम इस क्रीम को पहले पूरा निकालें अलग से बर्तन में, फिर जब वहाँ जाके सारे इन्ग्रीडियंट्स डालें, फिर वहाँ से मिक्स करके फिर दोबारा से हम बोतल में फिल करें, और ये वो हमें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। सिंपली अच्छे से एक अच्छे तरीके के साथ इसी में हमने सारी चीज़ें ऐड की और मिक्स कर लिया। तो हमने चीज़ें क्या ऐड की, हमने स्किन वाइटनिंग कैप्सूल 3 ऐड की है, 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड किया है, और 2 tablespoons हमने छोटी वाली इसमें प्योर ग्रेसलीन की ऐड की है, और अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए हमारी क्रीम कितनी अच्छी बन गई है। अब इसको अप्लाई करके मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना स्मूथली तरीके से ये अप्लाई हो रही है और स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइट लगना स्टार्ट हो गई है, शाइन कर रही है, ग्लो कर रही है नेचुरली। बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि मैंने अपनी स्किन के ऊपर कुछ लगाया भी है नहीं लगाया। सेम इसी तरह आपके भी स्किन इसी तरह खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाएगी कि बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपने स्किन के ऊपर कुछ लगाया है या नहीं लगाया। तो इसके इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने इसको नाइट में इस्तेमाल करना है, डे में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने इसको नाइट में इस्तेमाल करना है और अपने फेस पे लगा के आप सो जाए, सुबह अपना फेस वॉश करें, तो सारा दिन आपका चेहरा इतना ज़्यादा ग्लो करेगा, खूबसूरत लगेगा, ब्राइट लगेगा। दिन को इसलिए इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और इससे आपकी स्किन और ज़्यादा जल सकती है। जो स्किन वाइटनिंग के कैप्सूल हैं वो अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो आप हीट के पास नहीं जा सकते बिल्कुल। तो आपने हीट से बचना है, सन ब्लॉक लगाना है, ज़्यादा पानी पीना है, और अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, उम्मीद करती हूँ पसंद तो लास्ट में आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।